हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फर्स्ट क्लास जबरदस्त बिंदास झकास वीडियो में। दोस्तों आज का मौसम देखो, बिल्कुल हो रखा है सुहाना सा, क्योंकि रात को आ रही है डेली बारिश। कल मौसम था जैसे, अभी देखो बिल्कुल साफ होने को है। कल भी मौसम ऐसे साफ होने को था, लेकिन अचानक से रात को करीब 9-10 बजे भयंकर बारिश आ गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। इतना डेली रात को आजकल हमेशा यही हो रहा है कि बारिश आ रही है। देखो लोगों की फसलें भी क्या मुरझाने लगी हैं, और सामने का व्यू देखो, केदारनाथ वैली क्या मस्त अपने सबाब में कोहरा चल रहा है। ला 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 ला। देखो कोहरा धुंध छा रही है, और मैं डेली की तरह आज फिर जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ। तो चलो फिलहाल हम अपने स्कूल की तरफ चलते हैं, और फिर मिलते हैं लगभग 12-1 बजे के बाद केदारनाथ वैली अपने सवाब में। पीछे देखिए मौसम हो रखा है बिल्कुल प्यारा, और कोहरा चल रहा है। देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, पूरा ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं कितने ऊपर आ रखा हूँ, जहाँ बस कोहरा है। ऐसा कोहरा देखने को मिलता है हमें तुंगनाथ में डेली, जब भी जाओ वहाँ कोहरा ही कोहरा मिलेगा। लेकिन मुझे इस कोहरे से याद आती है आहट की। पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आहट के बारे में, जो पिछली वीडियो थी। देखो मौसम बिल्कुल धुंध वाला सा, एक चंद्रकांता भी आता था शायद, सो जिसमें एक आदमी क्या भेड़िया बन जाता था, और ऐसी मौसम में होता रहता था। ये देखो बिल्कुल बढ़िया सा मौसम, और अभी हम फिलहाल चलते हैं स्कूल की तरफ। ओ भाई साहब, नज़ारे देखो आज बिल्कुल कोहरा, नज़दीक की चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही है, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। ये देखो भूतिया पेड़, इसके बाद हम मिलेंगे दिन में करीब 12-1 बजे के करीब भगवान से। थोड़ा सा कामना करना कि बारिश ना हो, वरना अगर बारिश होगी तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। फिलहाल मैं अपने काम को फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ आपको करीब 12-1 बजे के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, अभी फिर से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत साल से टाइम हो गया है, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी देखो मौसम भी खुलने को है, चारों तरफ का मौसम खुल गया है, और अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ घर को। ये है हमारे गांव की रोड। अभी मैं आपको आजकल अपनी दिनचर्या के बारे में बताता हूँ, मेरी दिनचर्या आजकल कैसी हो रखी है। फर्स्ट सुबह उठो, 5:30 बजे तक उठ जाता हूँ, और 7 बजे तक मैं स्कूल में आ जाता हूँ। 7:30 बजे से मैं क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अभी 12-1 बजे तक घर जाते हैं, फिर खाना खा दो, और आदमी काफ़ी थक जाता है, काफ़ी जैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तो बोल बोल के भी, और बच्चों के साथ फिर भी आदमी थक जाता है। घर जाता हूँ और एक प्यारी सी पावर नैप लेता हूँ 2-3 घंटे की, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर इसके बाद मेरा जो चाय होती है, चाय रखी रहती है, वो हमेशा ठंडी रहती है, इतनी ठंडी कि उसको पीने के बाद गले पे खराश सी होने लगती है, इतनी ठंडी रहती है चाय हो रखी, क्योंकि इतनी गहरी नींद में होता हूँ मैं। और चाय पीने के बाद शाम को थोड़ा घुमा फिरा, फिर रात को लगभग 1-2 बजे तक मुझे अपना काम करना होता है, कॉलेज का काम, मैं वो कॉलेज का काम निपटाता हूँ। तो ये सब चल रहा है अभी मेरी ज़िंदगी में, यही लाइफ स्टाइल हो रखी है। और दोस्तों एक खुशी की बात ये है कि आज है सैटरडे, आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे। सैटरडे को होती है छुट्टी, यानी कि सैटरडे को अब मनाया जाता है सैनिटाइजर डे। डेली हर सैटरडे को क्या होता है, स्कूल सैनिटाइज होती है, तो स्कूल की छुट्टी होती है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। और ये देखो सुबह का मौसम कैसा था, अभी का मौसम बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, वाह 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 अगस्त्य मुनि। पहाड़ों में ऐसे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, रास्ता देखो कैसे टूटा हुआ है,
डेली का रास्ता है मेरा ये, और ये सारा यहाँ से टूटा हुआ है, इतना बचा है रास्ता, इतने रास्ते से जाता हूँ मैं। कल सैटरडे को एक तो मैं नींद पूरी करने की कोशिश करूँगा, और दूसरा जो अपना काम है उसको ख़त्म करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बाल भी मेरे काफ़ी बड़े हुए हैं, इनको कटाना भी था लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे अचानक से बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, वरना वो ठीक ठीक रहते हैं, लेकिन क्या करें, बिना टाइम के वो उनको भी काटने का टाइम नहीं लग रहा है। तो फिलहाल देखते हैं, अभी मौसम साफ है, रात को फिर बारिश आ जाएगी, चलो देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात यह है कि मुझे अभी आदत पड़ गई है इस रास्ते से आने की, जैसे पहले मुझे टाइम लगता होगा कितना, आधा घंटा, तो अब उसका भी हाफ हो गया है, यानी कि 15 मिनट में यहाँ नीचे पहुँच जाता हूँ। तो ये है फिलहाल, तो टाइम में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, आज भी पसीना पसीना हो जाता है, देखो पूरे चेहरे की कैसे बैंड बची है मेरी अभी। लेकिन टाइम इज़ मनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन टाइम इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू मनी ज़रूर कह सकते हैं। उसके बीच में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में बहुत सारी चीज़ आएंगी, जिन्होंने 12th फिजिक्स से की होगी उनको पता होगा बीच में क्या क्या आ सकता है। सामने देखो गाड़ी जा रही है, अगर पहले आती तो क्या पता मैं गाड़ी में आता, लेकिन क्या करें, किस्मत भी कहाँ है गाड़ी में आने की, मस्त गाड़ी में आता। ये देखो क्या बादल दिख रहे हैं, और रुई से और अच्छे से फूलों पे, देखो क्या मस्त लग रहे हैं फूल। और मैं पहुंच गया हूं अभी अपने गांव के रोड में, एक चढ़ाई होकर दी खत्म, अब आधी चढ़ाई और है, लेकिन अभी मैं यहां सामने पे लेता हूं आधे घंटे का रेस्ट, लोगों के साथ गप्पे लगाऊंगा, गप्पे ठोकूंगा और रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा। पहाड़ों पे मौसम देखो बढ़िया सा, क्या खिलखिली सी धूप लग रही है, और बादल वो सामने पहाड़ पे देखो अभी तक कोहरा है, देखते हैं क्या होता है। गुगुती बांसुरी क्या खांदी क्या लांदी, देखो अभी यहाँ पे दो गुगुती मिली है, इन पक्षियों का नाम है गुगुती, शायद ये कपल होंगे, और आजकल लड़ाई हो रखी होगी। हाँ भाई लड़ाई हो रखी, ये भी बोल रहा होगा मुझे सूट मत कर, और ये यहाँ बैठा है, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बातें नहीं हो रही अब लोगों, अनूठी कहानी। बुड्ढे को प्रणाम कर और लड्डू खा। खराब भी हो गया है। वॉइस बोल वापस। अब तो मार मार के दिमाग खराब भी हो गया है। वॉइस बोल वापस। अब तो मार मार के दिमाग खराब भी हो गया है। दिमाग खराब मैंने तेरा करना मार मार के, चुप रह पढ़ाई कर। वापस बोल वापस। स्वीटी कहाँ जा रखा है, स्वीटी देखिए स्वीटी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को भी आई थिंक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।